हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रेग्नेंट महिला के कमरे में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए? प्रेग्नेंट महिला की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है, ऐसे में वास्तु की बताई गई कुछ आसान वस्तु इस काम में मददगार साबित हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कुछ खास चीज़ें प्रेग्नेंट महिला के रूम में रखी जाएँ तो महिला और बच्चे दोनों की ही सेहत ठीक रहती है, साथ ही बच्चा गुणवान बनता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो एक प्रेग्नेंट महिला के रूम में रखी जानी चाहिए। मोरपंख। मोरपंख भगवान कृष्ण से संबंधित है, ऐसे में घर के मंदिर या गर्भवती महिला के कमरे में मोरपंख रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीले चावल। पीले चावल शुभ संकेत बताते हैं, ऐसे में गर्भवती महिला के कमरे में पीले चावल रखने से माँ और बच्चे पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी का असर नहीं होता और वो स्वस्थ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवी यशोदा की तस्वीर। गर्भवती महिला के कमरे में भगवान कृष्ण और देवी यशोदा की तस्वीर लगानी चाहिए। तस्वीर को इस तरह लगाएं कि महिला को सुबह उठते ही तस्वीर के दर्शन हों, ये उसके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। गुलाबी रंग की तस्वीर या कोई शोपीस। गुलाबी रंग खुशी और आनंद का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में प्रेग्नेंट महिला के कमरे में इस रंग की कोई बड़ी तस्वीर लगाना या शोपीस रखना अच्छा होता है। वास्तु देव की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर। कई बार कमरे का गलत वास्तु भी माँ और बच्चे के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। कमरे में वास्तु देव की मूर्ति या तस्वीर हो तो इसका असर नहीं पड़ता। हंसते मुस्कुराते बच्चों की तस्वीर। गर्भवती महिला के कमरे में हंसते मुस्कुराते बच्चों की तस्वीर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, ऐसा करने से बच्चा शांत और हंसमुख स्वभाव का होता है। तांबे की कोई भी वस्तु। तांबा बुरी नज़र और नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी बढ़ाता है। तांबे की वस्तु गर्भवती महिला के कमरे में रखने से वहां पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। सफ़ेद रंग की कोई तस्वीर या फिर शोपीस। सफ़ेद रंग शांति और अच्छी हेल्थ का प्रतीक माना जाता है, इस रंग की कोई तस्वीर या फिर शोपीस कमरे में रखने से माँ और बच्चे की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रेग्नेंट महिला के कमरे में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।